इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं पैसा दे दूंगा तो आप वीडियो वायरल नहीं करोगे आप। फिर इन्होंने मेरे भी फ्लैट है जयपुर में, मैंने फ्लैट में मेरे को फ्लैट पे उतार दिया और ये अपने फ्लैट चले गए। ये सुषमा भी साथ में थी। अब सुषमा कौन है? सुषमा इनके कोई प्रेमलता के कोई टच में थी ये। अच्छा, ये तीनों उस गाड़ी में तीनों जने थे। बाकी मैं सुषमा को नहीं पहचानता था मैं। अच्छा, उस समय से ही जाती थी वो, हर महीने में 10 बार जाती थी वो। तो मैं इसको मैं कम खाना भी खाने गए सुषमा के साथ में ब्राह्मण लॉज में, तो मैं अकेला ही था गाड़ी में। तो मैंने पूछा कि तू इसका इससे मेरी बात हुई, इसने इसको मैंने बोला जोधपुर चलेगी, इसने कहा मैं जोधपुर चल लूँगी। और वहाँ जो बालोतरा में सुषमा की फ्रेंड थी वो, उससे भी आपकी जान पहचान हो गई थी? हाँ, वो 22 तारीख को हुई है वो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये नहीं आया कि मैं अपने यहाँ का रिवाज है एक महिलाओं के साथ, अकेली महिलाओं के साथ, कभी आप जयपुर जा रहे हो, कभी जोधपुर जा रहे हो, कभी रात को 12 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहे हैं, तो ये आपके मन में ये भाव नहीं आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? संगीता ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, पास में एक और मकान है, आप मेरे साथ चलो तो वहाँ से कोई सामान लेके आए। तो घर पे कॉल करो, 10 लाख रुपये लेके आए। बहुत मारा इन्होंने मेरे को उस टाइम। फिर आपने बात की? फिर मैडम से बात की, मैडम से पता नहीं कि इन्होंने क्या बात की क्या नहीं बात की। मैडम ने कहा इसको जाने दो, ये पैसे का एडजस्टमेंट करके देगा। उसके बाद में मैं घर पहुंचने के बाद में बन्ने कवर का कॉल आता मेरे पास। मेरे को बोलती है कि 5 लाख रुपए इनको दे दो आप। कहीं मैंने कहा 5 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। तो कार्रवाई ऐसा ना हो कि 5 लाख रुपए वकील ले लें और कार्रवाई ना हो, 1% का डर नहीं इसका। फिजिकल नहीं हुआ? मैं फिजिकल हुआ ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों डरूं? मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव है, मैं जिस दिन ये रिकॉर्डिंग बाहर लाऊंगा उस टाइम पता चल जाएगा। बन्ने कवर तो साफ इसमें जाहिर है, बन्ने कवर साथ में मिली हुई इसके। सेक्स रैकेट का आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? मैडम है जो ये वहाँ पे फ्लैट में ले जाके ये उल्टे उल्टे काम करती है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हो ना, इसका सबूत नहीं है, आप किसी को किसी है, तो आप उनकी छवि खराब करने की कोशिश करो। मैं मैडम के पास में एक डस्टर गाड़ी है, वो गाड़ी वहाँ से उठाई हुई है। कहाँ से? जयपुर से उठा के लाए है। और गाड़ी जयपुर पार्सिंग है, नंबर जे है, गुजरात पार्सिंग लगे हुए इसमें आज भी। डस्टर गाड़ी है, रेड कलर की है। मेरे पास में क्या, ये जो प्लास्टिक वगैरह बीनते हैं ना, तो ये मेरे पास आते रहते हैं यहाँ पे। अब मेरा भाई साइकिल का काम है, तो इनके रिक्शे वगैरह इनके तैयार करता ही है, तो आते रहते हैं। मेरे को मैडम ने कई बार कहा यार ये लोग आपके पास आते जाते हैं, इनको यार इनके फर्जी अकाउंट दे रहा हो मेरे को, हमको फर्जी अकाउंट चाहिए। फर्जी अकाउंट क्या? अकाउंट बैंक अकाउंट, फर्जी सिमें दिलाओ हमको। वो ऐसे काम करते हैं, फर्जी अकाउंट, गाड़ियां उठाना, सिमें लाना, सेक्स रैकेट की आपने बातें की, तो आपकी क्या गारंटी कि आप उसमें संलिप्त नहीं थे, आप उनके साथ नहीं जुड़े हुए थे? अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम थी तो आपने इससे पहले इस बातों को क्यों नहीं उजागर किया? मैंने तो आपका कोई लालच नहीं, मैंने तो कभी इसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज ही एक कॉल आया मेरे पास। अकेली महिला के साथ एक अकेला पुरुष अगर कहीं जाता है रात को 12 बजे जाता है, तो उसका अर्थ क्या समझे? लेकिन ये ससुराल वालों को पता है भाई, मेरी इनसे बातचीत होती है, मेरे हस्बैंड को पता है, इसके नंदों को पता, इसकी एक ननद पुलिस लाइन में रहती है, वो खुद पुलिस में है। मेरी सुषमा मेरी लुगाई है, तू इसके साथ में ये कर रहा वो कर रहा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी गलती की कि इस बात को लेकर पुलिस को पहले आपने ही बताया। बस ये ना समझिए मेरी, बाकी मेरा लालच 1% भी नहीं है इनसे। मैं हर लड़की का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लड़की मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। आपकी भी बेटी होगी? हाँ, मेरी भी बेटी है, मैं हर लड़की का नहीं कह रहा हूँ। 99% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। उनको डर रहता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा समाज में परिवार में मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग मुझे कल क्या कहेंगे। लेकिन 1% ऐसे लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरे साथ तो हो गया, किसी और के साथ नहीं, इसलिए हमें आगे आना चाहिए।